तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा पुनर्जन्म के बारे में कि सही में क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, सब ये वीडियो में बताऊंगा। एक भी मिनट स्किप करके ना कोई समझने नहीं आएगा, तो परफेक्ट देखो वरना हाथ हिलते रहेंगे मेरे। पहले तो मैं जिन लोग को नहीं मालूम पुनर्जन्म के बारे में, उन लोगों को मैं बताऊंगा कि पुनर्जन्म नहीं होता है, क्या होता है। तो अगर आपको नहीं मालूम पुनर्जन्म क्या है, तो आप मतलब इंडिया में भी रहते हो क्या, कि बाहर से देख रहे हो? अगर आपको पुनर्जन्म इंडिया में रह के नहीं मालूम, तो आप इंडिया में नहीं रहते हो, क्योंकि हर इंसान को पुनर्जन्म के बारे में मालूम है इंडिया में। और मतलब वो हर रिलीजन हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियनिटी हो, वो कुछ करके लोग सब लोग बिलीव करते ही है इसके अंदर। आप नहीं मानोगे मेरी बात, मेरे को मालूम है, क्योंकि आप होंगे उसमें से जो बिलीव नहीं करता होगा, मगर मेरे को मालूम है बहुत जन बिलीव करता है। मैं आप लोग को सबके बारे में बताऊंगा। पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ पुनर्जन्म है क्या। तो पुनर्जन्म कैसा होता है कि कहते हैं कि अगर आप मर जाते हो या कुछ भी हो जाता है, तो आप रीबॉर्न होते हो, वापस एक बच्चे के रूप में आते हो, जिसकी वजह से आप पूरा जिंदगी वापस जीते हो, फिर मर जाते हो, फिर जीते हो, ऐसे 7 बार जीते हो हिंदू धर्म के हिसाब से। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कि वो सच है या झूठ, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम, मैं मरा तो नहीं हूँ एक भी बार। लेकिन जो माइथोलॉजीज है, जो मेरे स्पिरिचुअल जो दोस्त लोग है, या जो भी है फॉरम्स के थ्रू है, गूगल के थ्रू है, या जो भी है, उन लोग सबके हिसाब से क्या होता है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो कैसा है मालूम है, अभी ये ना मैं जिन लोग से बात किया था ना, तो इन लोग भी बहुत कंफ्यूज है ये सब चीज़ों के अंदर, क्योंकि कोई मरने की बात की कोई भी कुछ बता नहीं पाता है, जो मरने की पहले की चीज़ है वही बता सकते। तो है ना, जो जो जितने भी मतलब जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, जिन लोगों को मालूम है सब चीज़ों के बारे में, उन लोग मेरे को बताए कि जैसा पुनर्जन्म होता है ना, हम मर जाते हैं, हम वापस बॉर्न होते हो, तो अगर आप देखेंगे, ये मैं खुद खौफ में आ गया था सुन के, तो अगर आप देखेंगे तो 2 साल तक के तुमको वो चीज़ें याद रहती है जो तुम्हारे पुनर्जन्म में हो गई, इसलिए आप रोते रहते हो 2 साल तक, मगर 1 या 2 साल ऐसा कुछ है, और फिर 1 या 2 साल बाद आप वो चीज़ें भूलने लगते हो। आप जैसे ही बड़े होने लगते हो, आप वो लाइफ में सेटल हो जाते हो कि हाँ भाई मेरे को ऐसा ही जीना है। और अगर आप सोचोगे वो चीज़ के बारे में कि 1 या 2 साल की उम्र में मेरे को क्या हुआ था, मेरे को कुछ याद है, आपको याद नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आपका ब्रेन वो इरेज कर देता है सब चीज़ें, और वो सब चीज़ें आपको याद रहती है। अभी कितने जनता ऐसा बोलते हैं कि ऐसा रहता है कि अगर आप मर गए तो आप एक टनल के अंदर चले जाते हो, टनल से आप बाहर निकलते एक बच्चे की तरह, और फिर आप रीबॉर्न होते हो, आप रोते रहते हो। बच्चा क्यों रोता है? स्टार्ट में बॉर्न होता है तो वो रोते रहता है कि भाई मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा, मैं रीबॉर्न हो गया हूँ, मैं कैसा करूँगा वापस, इसलिए बच्चा रोते रहता है। और ये अभी ऐसी थियरी हो जो मेरा दिमाग काम नहीं किया था, लिटरली जब मैं ये सुना था ना, मेरा दिमाग काम नहीं किया था। ये मतलब ऐसा लगता है ये एक्चुअल है, ये हो रहा है। मैं इतना बिलीव नहीं करता हूँ पुनर्जन्म में, मगर ये सुन के तो मेरा खुद का खौफनेस हो गई, फिर भी मैं बोला ठीक है चल। तो इसके अंदर कैसा हिंदू धर्म में होता है कि लोग 7 टाइम ऐसा जीते, 7 टाइम के बाद मेरे को नहीं मालूम क्या होता है, मैंने किसी को पूछा नहीं, मेरे दोस्त को पूछना पड़ेगा, मगर लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसा 7 बार जीते, अगर 1 बार जी लिए, 2 बार जी लिए, 3 बार जी लिए, 4 बार जी, 7 टाइम ऐसा जी लिए, फिर उसके बाद हम जो भी है गॉड के पास जाते हैं, और फिर जो भी होता है हमारा जजमेंट होता है, फैसला होता है, वैसा होता है। लेकिन अगर आप 7 बार जी लिए तो कुछ प्रूफ है? प्रूफ तो किसी के पास भी नहीं। उन लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि उन लोग के हिसाब से ऐसा प्रूफ है कि आपका जो बर्थ मार्क है ना, वो बर्थ मार्क के हिसाब से अगर आपकी बॉडी पे किधर भी, जैसा मेरे पैर के पास है, तो बोलते हैं अगर तेरे पैर के पास है तो तेरे को किसी ने ना पैर के पास गोली मारा या चाकू मारा है, कुछ भी मारा है, जिसकी वजह से तेरा रीबर्थ हुआ है और तेरे पास वहाँ पर निशान है। अब मैं सोच में पड़ गया, अगर दूसरे लोग को किधर और रहेगा तो उसका उसका क्या, उसको किधर मारे गोली? मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ मुस्लिम लोग के हिसाब से, तो मुस्लिम लोग के हिसाब से कुछ ऐसा है ही नहीं रीबर्थ का। मुस्लिम लोग के हिसाब से एक ही चीज़ है कि अगर जैसे आप मर जाएंगे, आप या जन्नत जाएंगे या जन्नम जाएंगे, और वो फैसला रहता है जो ऑल माइटी है उनके ऊपर, और आपके धर्म के ऊपर है कि आप कैसा बिहेव करते हो आपके वर्ल्ड में, आपने कितना इस्लामिक फैलाए, मुसलमानिटी फैलाए, या तो फिर अगर आपने कितना खुशियाँ फैलाए। मैं तो ये भी मतलब मेरे को मालूम है ऐसा कि जैसा अभी ईद होती है और चैरिटीज देती है, ईद के अंदर चैरिटी देते, तो वो भी आपकी लिखी जाती है कि आपने इतनी चैरिटी दी। आप जितनी अच्छाई करेंगे उतना आपका जन्नत में जाने का चांसेस बढ़ जाता है, और कहते हैं कि 80% तो ऊपर वाला माफ़ी कर देता है सब चीज़ें। तो उन लोग का 80% ऐसा है कि हम जो भी मुसलमान हैं उन लोग सबका 80% ऐसा है कि उन लोग जाएंगे ही जन्नत में, और जन्नत में कौन जाएगा जो एकदम बुराई करेगा। ऐसा नहीं, उन लोग ऐसा मतलब मुसलमान लोग ऐसा नहीं बोलते कि भाई तो तू हिंदू है, तू क्रिश्चन है, तू जन्नत में जाएगा, हम जन्नत में जाएंगे, नहीं ऐसा कोई नहीं बोलता। अगर आपने भी अच्छा ही किया तो आप भी जन्नत में ही जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा
हिंदू मुसलमान ऐसा मत करो भाई, सब ह्यूमंस एनिटी में। मैं जितना भी रिसर्च किया मेरे को कुछ भी रीबर्थ के बारे में नहीं मालूम पड़ा सिवाय जीसस क्राइस्ट के। कहते जीसस क्राइस्ट का रीबर्थ हुआ है जब वो उनको कीले ठोक दिए थे और उनको मारने वाले थे, तो ऊपर वाले ने उनको ऊपर बुला लिए थे और वापस भेजे और अभी वो खुद जिंदा है, फिर वापस ऊपर बुला लिया और वो एंड के जजमेंट डेज पे आएंगे और एंड करेंगे वर्ल्ड को, जो मैंने आपको बताया था कि ख़त्म हो जाएगी दुनिया वो टाइम पे। और इसकी स्टोरी मैंने वो पहले बता दी दूसरे वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हो। तो वही क्रिश्चियनिटी में है ये। लेकिन जब मैं स्टडी कर रहा था इसके बारे में, ये पुनर्जन्म के बारे में, तो मेरे को मालूम पड़ा है कि कुछ चीज़ें कि हाँ हो सकता पुनर्जन्म सच हो गए। क्योंकि कैसा मालूम है, अगर आप कोई चीज़ करने जाते हो, अगर मैं कुछ करने जा रहा हूँ और मेरे को ध्यान आता है यार इस पे तो मेरे को लग जाएगा या गिर जाऊँगा, तो हो सकता है वो जो हमारा फ्यूचर है या पहले किसी ने ऑलरेडी ये चीज़ देख लिया है, वो हमें बताना चाहता है कि ऐसा मत कर। क्योंकि हमको कैसा हो रहा है सेंस के ये करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा, मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं किया ये चीज़, तो मेरे को कैसा सेंस हो रहा है। अगर मैं करता हूँ गिर जाता हूँ तो फिर मेरे को याद आता है हाँ यार मैंने ऐसा सोचा था, तो किसने सोच दिलाया था। हो सकता है हमारे जो मतलब हमारी लाइफ कैसी है वैसी और आगे चल रही है लाइफ, हर 10-10 मिनट में एक लाइफ चल रही है हमारी, और फिर वो चीज़ हम जैसा करेंगे वैसा हमें पड़ेगा। मतलब रास्ते हैं सब हमारे और वो रास्ते हम जा रहे हैं अलग अलग, फुरकान एक रास्ता, फुरकान ये ले रहे, एक फुरकान ये ले रहे, एक फुरकान। अब डिपेंड्स हमारे पे हमें कौन सा रास्ता लेना है, और जो रास्ता हमें पहले गया है वो बताना चाहता है तो हमारे कॉन्शियसनेस में आता है वो चीज़। ये बहुत डीप है, मैं टॉपिक पे नहीं जाना चाहता था क्योंकि कितने जन को समझ नहीं आएगा कि बहुत ज़्यादा डीप टॉपिक है ना इसलिए, लेकिन फिर भी मैं बोला चलो चले जाता हूँ, हमारी जो इतने भी लोग हैं वो सब समझदार है भाई। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप समझ रहे हो कि हर 10 मिनट वाला आगे वाला आपको कुछ बोलना चाहता है। अभी मैं ये जो करता हूँ वीडियोस बनाता हूँ, मैं नॉन स्क्रिप्टेड बनाता हूँ, एक स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूँ। जो भी मेरे दिमाग में आता है, जो भी चीज़ होती है वो मैं आप लोग को बोलता हूँ, जो मैं स्टडी कर रहा होता हूँ वही बोल रहा होता हूँ, मैं स्क्रिप्ट कुछ नहीं बनाता हूँ। शायद जो पहले हो चुका है और मैं कुछ और बोलने वाला था वो मेरे माइंड में दिला रहा है मेरे को लिटरली। आप बोलेंगे फुरकान हम लोग बिलीव ही नहीं करते आप स्क्रिप्ट नहीं बनाए, आप मेरे घर पर आ जाओ एक स्क्रिप्ट नहीं दिखेगी। मेरा कंप्यूटर ऑन है, ऑन रखो क्योंकि हर महीने में एक बार तो ऑन करना पड़ता है, तो ऑन रखो, बाकी कुछ भी स्क्रिप्ट किधर भी नहीं है, आप चेक कर लो मेरे घर पे आके। तो ये थी पुनर्जन्म के बारे में चीज़ें। अगर आपको अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको क्या देखना है इन्हें। आप बोल रहे हो कि फुरकान इतनी छोटी छोटी वीडियोज़ क्यों बना रहे, 12 मिनट की वीडियो किधर, 10 मिनट की किधर है। भाई थोड़ा काम है मेरे को तो मैं उसमें थोड़ा बिजी हूँ, आज मेरा सर नहीं दुख रहा है तो मेरे को टेंशन नहीं है, इसलिए मैं एकदम फ्रीली बना रहा हूँ, हंसमुख के बना रहा हूँ। मैं YouTube पे शॉर्ट्स बनाता हूँ 2-2 दिन में, उसमें बहुत थक जाता हूँ भाई, बहुत मजा आती है YouTube शॉर्ट्स बनाने। मेरे सब्सक्राइबर रेट 42,000 हो गए, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है। मालूम एक टाइम ऐसा था कि मैं सोचता था यार ये 1,000 सब्सक्राइबर हो जाते क्या मजा आता यार, 42,000 यार, सब आपकी वजह से। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और ओयो रूम में जाओ, अभी तो ट्रेन भी चालू हो गई महाराष्ट्र में, तो अगर आपको ओयो रूम में जाना है 50% डिस्काउंट चाहिए तो फुरकान ओयो लिखो, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा हर ओयो रूम पे। और वैलेंटाइंस बनाना है तो पापाराजी पे जाओ, पापाराजी बैंड्रा करके इंस्टाग्राम पे एक पेज है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा अमेजिंग फूल मिलेंगे, बलून्स मिलेंगे, हैप्पी बर्थडे के बलून्स, ये वो बहुत चीज़ें मिलेगी वहाँ पर, जाके वो भी खरीद सकते हैं आप। और आपको कुछ भी करना है लाइफ में करो, आप सोचो कि हाँ सही में ये कर रहा हूँ कि नहीं, डेजा वो हो रहा है कि नहीं, आपको डेजा वो हो रहा है तो डेजा वो का अलग टॉपिक बनाता हूँ।